السلام عليكم ورحمة الله. अच्छा, मेरी आवाज सबको आ रही है? आप लोग कमेंट में जो है वो कमेंट बोल रहा हूँ, सॉरी मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आवाज क्लियर है सबको? यस, ओके. अच्छा, हम लोग जो है आज क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे ऐसा ऐसा, फिर उनको भी हम ऐड कर लेंगे. ओके, इसको बैक कर लेते हैं, इसको बैक कर लेते हैं. अच्छा, आज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स. अच्छा, अभी क्या होते हैं इसको अभी हम लोग देखते हैं. सबसे पहले तो मैं क्लास 8 के नाम से जो है मैंने फोल्डर बना लिया, इसको ओपन विद कोट कर लेते हैं, और ये फोल्डर जो है हमारा VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा. अच्छा, ठीक है, ये ओपन हो गया. अब यहाँ पे मैं जल्दी से जो है HTML के नाम से फाइल बना देता हूँ, और ये जो है मेरी फाइल बन जाएगी. अच्छा, जैसा मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स है. तो अभी हम लोग देखते हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं. ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, क्यों नहीं आ रहा भैया, जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ. ओके, आ गई. अच्छा, और इसके टाइटल में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनलाइन एंड ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स. ठीक है, इन HTML भी लिख लेते हैं आगे. ओके, अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आ गया, इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स है. अच्छा, इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले इसको देखते हैं. इनलाइन एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक लाइन के अंदर मल्टीपल आ सकते हैं. अब इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे हम जो है अगर मैं मिसाल ले लूँ, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ, पैराग्राफ के अंदर लिख लेता हूँ दिस इज पैरा, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक एंकर टैग लगाता हूँ. अच्छा, एंकर टैग का बताया मैंने आप लोगों को क्या होता है? एंकर टैग नहीं बताया, या मे भी नहीं बताया, तो अभी बता देता हूँ. ये बेसिकली हमारा काम आता है HTTPS. google.com. जब भी हमें अपनी वेबसाइट पे किसी और का लिंक लगाना हो तो जो है हम एंकर टैग का यूज करते हैं. नहीं बताया, जब हम जो है एंकर टैग का यूज करते हैं. अच्छा, अब ये एंकर टैग बन गया. अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गूगल. ठीक है, अच्छा, इसको साथ साथ में जो है उसे भी कर लेता हूँ, और लास्ट सर्वर पे भी ऑन हो जाएगा. अच्छा, ये देखिए यहाँ पर जो है ये गूगल आ गया. अब जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें, ये हमें जो है गूगल पर लेकर चले जाएगा. अच्छा, ये ओपन हो गया, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ. अच्छा, अभी गूगल पे इसलिए नहीं लेके जा रहा ये, मे बी मैंने जो है ये हाँ लेके आ गया. देखें, ऑटोमेटिकली जो है ये हमें गूगल पर लेके आ गया. कुछ भी नहीं किया मैंने, अब जो है गूगल पे क्लिक किया तो ये जो है मुझे गूगल पर लेकर आ गया. इसी तरह अगर मैं यहाँ पे HTTPS यहाँ पे facebook.com लिखता तो मेरे पास जो है वो फेसबुक आ जाता. अच्छा, ये तो हो गया एंकर टैग. अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं. मैं यहाँ पे थोड़ी सी कह लें चीटिंग करने लगा हूँ. चीटिंग क्या, CSS जो है मैं लिंक करने लगा हूँ. अब आप लोग कहेंगे कि भाई CSS तो जो है आपने पढ़ाई नहीं है और आप जो है अभी से कर रहे हैं, तो आप लोग टेंशन नहीं लें, आप लोगों को प्रॉपर CSS पढ़ाई जाएगी. बस जो अभी ज़रूरी है समझने के लिए वो जो है हम करेंगे. अभी आप इसको इग्नोर करें, बस आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर जो है P को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और एक्वा कलर दे देते हैं इसको बैकग्राउंड, और हमने साथ साथ एंकर टैग लगाया है तो एंकर को भी हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और इसको हम कलर दे देते हैं ब्राउन. ठीक है, अच्छा, अब मैं चलता हूँ
यहाँ पर अपनी वापस आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ और पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये देखें यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा इनलाइन एलिमेंट्स था और जो ब्लॉक लाइन एलिमेंट, सबसे पहले ये समझे कि पैराग्राफ और जो है हमारा जो एंकर टैग था उस पे बैकग्राउंड कलर लग गया। ठीक है, अब चलते हैं कोड के ऊपर। यहाँ पर मैंने सिंपली एक पैराग्राफ लगाया और एक एंकर टैग लगाया। अच्छा, अब जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक लाइन के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स अलाउ कर देते हैं, कि एक लाइन के अंदर काफी ज्यादा चीजें लग सकती हैं। बट जो ब्लॉक लाइन एलिमेंट होते हैं उसको पूरी की पूरी, हमारी जो स्क्रीन की लाइन है वो पूरी की पूरी एक लाइन चाहिए होती है। अगर मैं यहाँ पर एक और एंकर टैग लगाऊं, इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाली, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, दो दफा कॉपी कर लिया, तो आप लोग देखेंगे ये जो है इधर ही यहीं पर जो है गूगल लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग लगाऊं, पैराग्राफ टैग लगा दूं मैं यहाँ पे आके, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं दिस इज सेकेंड पैरा, तो आप लोग देखिए क्या होगा कि ये जो है नेक्स्ट लाइन में आया। और अब अगर इसके बाद मैं एक और एंकर टैग डालता हूँ या एक और पैराग्राफ टैग में लिखता हूँ यहाँ पर, तो वो क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको जो है पूरी की पूरी एक लाइन चाहिए होती है, और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ उतनी स्पेस चाहिए होती है जितनी उनकी विड्थ होती है, और जितनी उनको उनकी विड्थ जितनी होती है उतनी उनको स्पेस रिक्वायर्ड होती है, और वो अलाउ करते हैं कि हमारे साथ जो है आकर और भी चीजें लग जाए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और टैग बताना चाहूंगा यहाँ पर, डिफ। अच्छा, डिफ क्या है, डिफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग है और डिफ को आप लोग लाजमी समझें क्योंकि आगे जाके हम लोग डिफ का काफी ज्यादा यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अब डिफ क्या है, डिफ बेसिकली जो है वो एक कंटेनर है। अब कंटेनर से क्या मुराद है आप लोग इमेजिन करें, अच्छा अभी सब कुछ दिमाग से निकाल रहे हैं, जो भी चीजें थी ना अभी सब कुछ निकालें, अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ना उस पर फोकस करें। आप लोग इमेजिन करें आप लोगों के पास एक जो है वो कंटेनर है, कंटेनर कौन सा, अब आप उसको एक रूम भी समझ लें, रूम समझ लें, या उसको जो है आप जैसे एक कंटेनर होता है बेसिकली वो समझ लें, या एक बॉक्स समझ लें। ठीक है, कोई सा भी बॉक्स हो आप लोगों ने इमेजिन कर लिया। अब मैंने इमेजिन किया यहाँ पे एक रूम। ठीक है, अब रूम है उसके अंदर मैं मल्टीपल चीजें रख रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे उसके अंदर मेरा रूम के अंदर मेरा बेड भी पड़ा हुआ है, मेरी अलमारी भी पड़ी हुई है, मेरा कंप्यूटर भी पड़ा हुआ है और एलईडी वगैरह सब लगी हुई, तो वो क्या होगा उसके अंदर मल्टीपल चीजें आ रही हैं। तो बेसिकली डिव जो है वो एक कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर जिसके अंदर हम मल्टीपल चीजें रख सकते हैं। मल्टीपल चीजों से क्या मुराद है, मतलब उसके अंदर हम पैराग्राफ टैग को भी लिख सकते हैं, उसके अंदर हम यहाँ पर एंकर टैग को भी लिख सकते हैं, उसके अंदर हम यहाँ पर आकर और क्या पढ़ा है हमने, हेडिंग टैग भी रख सकते हैं, उसके अंदर हम आकर जो है वो मल्टीपल चीजें और भी जैसे जैसे आगे हम टैग्स पढ़ते जाएंगे वो हम जो है कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लाइन एलिमेंट के अगर टॉपिक पर ही हम रहें तो डिव जो है क्या है, डिव जो है एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, वो अलाउ नहीं करता कि उसके साथ जो है कोई दूसरी चीज आकर लगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज डिव, ठीक है दिस इज डिव लिख दिया मैंने, तो क्या हुआ अब यहाँ पर देखें कि वो नेक्स्ट लाइन में ही लगा आकर। ठीक है, इसको मैंने कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया इसलिए इससे कोई बैकग्राउंड कलर नहीं आया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और हमारे पास टैग आता है स्पैन। स्पैन टैग क्या करता है, स्पैन टैग भी एज इट इज डिव की तरह ही होता है, बट वो क्या होता है, वो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। डिव हमारा ब्लॉक लाइन होता है और स्पैन हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है। जैसे स्पैन लिख दिया मैंने, और अगर इसी के साथ में एक और स्पैन लगाऊं यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिखूं दिस इज अनदर स्पैन, तो क्या होगा कि ये जो है हमारा इसी लाइन में आ गया। ये देखें दिस इज डिव, उसके बाद यहाँ पर जो हमने दो स्पैन अलग अलग टैग में लगाए थे वो देखें वो एक ही लाइन में आया हुआ है, दिस इज स्पैन दिस इज अनदर स्पैन। ठीक है, तो ये होता है इनलाइन एलिमेंट। इसकी एग्जाम्पल अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में आए तो देखा होगा आप लोगों ने, काफी लोग ऐसे होते हैं जो खुले होके बैठते हैं, जिनको जो चौड़े होके जो बैठते हैं तो वो आप लोग समझ लेंगे वो ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, और जो थोड़ी सी जगह में भी फिट हो जाते हैं कहीं पे भी घुस जाते हैं उनको कहते हैं हम लोग इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीज जो है आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज नोट करें, मैं यहाँ पे जितनी भी स्पेसेस दे रहा हूँ वीएस कोड के अंदर एचटीएमएल उसके यहाँ पर आकर इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, जब हम उसको गो लाइव कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये जो है वीएस कोड इग्नोर करता है हमारी मोर देन वन लाइन की जब स्पेस होती है तो वो उसको इग्नोर करता है। ठीक है, और इस तरह जो है आप लोगों को कभी भी इस तरह की स्पेसिंग नहीं करनी, उसकी भी काफी ज्यादा जो है वजूहात हैं। ठीक
सबसे पहली जो वजूहात जो है वो थोड़ी सी ऐसी है, आप समझ लें कि जब बाद में कोई आपका भांजा भतीजा या पोता जब आपका जो है वो पुराना सबसे लैपटॉप खोलेगा आज से 10 से 20 साल बाद, तो वो देखेगा कि भाई मेरे दादा या दादी इस तरह जो है वो कोडिंग करते थे और उन्होंने तो इतनी स्पेसिंग दी हुई है, उनको कोडिंग करनी सही से आती थी। तो इस तरह भी हो सकता है, लेकिन ये तो चैलेंज मजाइया वो थी। लेकिन जो इसकी बेसिक जो वजह है, जो लाइनें हमें नहीं स्किप करनी चाहिए और स्पेसिंग नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि हम जो है वीएस कोड के अंदर जब भी कोडिंग करते हैं तो इस तरह कोडिंग करते हैं कि आज से हम लोग अगर 2-3 दिन बाद भी इसके अंदर आए तो हमें पता हो कि भाई हमने लाइन नंबर 25 में क्या किया है, लाइन नंबर 23 में क्या किया है और लाइन नंबर 21 में क्या किया, ये सब हमें पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम लोग यहाँ पे कमेंट भी लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है, कमेंट भी करवा सकते हैं, कुछ भी हमें लिखना हो इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं कुछ ऐसा नहीं लिख रहा, लेकिन जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स आप लोग लाजमी छोड़ा करें, बेशक आप लोग कुछ भी बना रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप लोग टेबल बना रहे हैं एक, तो टेबल के शुरू में आप लिख सकते हैं टेबल स्टार्ट, एंड में लिख सकते हैं टेबल एंड, फिर उसके बाद अगर आप लोग जो है वो फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म स्टार्ट फॉर्म एंड, इस तरह ना कमेंट्स का यूज किया करें। कमेंट्स का यूज करने से क्या होता है कि आप लोगों को जो है वो काफी ज्यादा सहूलत हो जाती है कि जब बाद में आप लोग आके अपना कोड देखें तो आप लोगों को सिंपली आपका कोड समझ में आए। अच्छा, ये होगा इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एक लाइन के अंदर मल्टीपल आ सकते हैं, और ब्लॉक लाइन वो होते हैं जो एक लाइन के अंदर सिर्फ अपनी ही, कहते हैं कि भाई मुझे तो पूरी जगह चाहिए, मैं किसी को भी नहीं आने दूंगा। अच्छा, अब क्या ऐसा है कि हम इनको चेंज कर ही नहीं सकते, अगर पैराग्राफ टैग है ब्लॉक लाइन एलिमेंट है तो उसको मैं इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? आप उसको बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप सीएसएस की मदद से। अच्छा, इसको हम आगे देखेंगे, इन सारी चीजों को कहते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से क्या होता है कि हम जो है किसी भी एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करके उसको हम इनलाइन है तो ब्लॉक लाइन बना सकते हैं, और भी काफी ज्यादा डिस्प्ले फैक्स वगैरह, डिस्प्ले ग्रिड वगैरह, इस तरह की काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे, आगे आने वाली जितनी भी हमारी क्लासेस हैं उन सब में देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर तो हो गया ये स्पैन टैग। स्पैन टैग का मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि स्पैन टैग भी एज इट इज डिफ का ही काम करता है। डिफ दोबारा समझा दें, अच्छा डिफ दोबारा समझाते हैं, चलें यहाँ पे हमारे बैच में ज्यादातर खवातीन, तो घरेलू मिसाल लेते हैं इसकी, और कि जिससे आप लोगों को इजी समझ में आ सके। आप लोग इमेजिन करें, आप लोगों के पास जो है वो किचन के अंदर एक बाल्टी है, जैसे एक आटे की डब्बी होती है, आटे की जो बर्नी है उसके अंदर आप लोग क्या करते हैं कि हर बर्नी के अंदर अलग अलग चीजें रखते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास जो आटे वाली बर्नी है उसके अंदर आप लोग आटे की चीजें ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास जो हमारा जैसे नमक मिर्च की डब्बी है, ऐसे होती है, तो नमक मिर्च की डब्बी के अंदर आप लोग नमक मिर्च ही डालेंगे, तो उनके लिए आप लोगों ने अलग अलग डब्बियां बनाई हुई है। ऐसा तो नहीं ना कि आप आटे वाली बर्नी के अंदर ही नमक मिर्च डाल के रख रहे हैं और जो है वो उसी के अंदर आप लोगों ने चीनी भी मिक्स कर दी, उसी के अंदर आप लोगों ने जो है वो हल्दी वगैरह मिक्स कर दी, तो ऐसा तो नहीं करते आप लोग। सारी जो है अलग अलग बॉक्सेस बनाते हैं, उसके लिए अलग अलग जगह बनाई हुई होती है आप लोगों ने कि इसके अंदर आटा आएगा, इसके अंदर हमारी नमक आएगा, इसके अंदर चीनी आएगी, इसके अंदर बाकी मसाले आएंगे। तो इसी तरह हमारे पास होते हैं डिफ, डिफ को आप लोग बर्नी समझ लें, और इसके अंदर हम जो है जैसे मिसाल के तौर पर मुझे शुरू में अब बनाना है अपना एक, शुरू का जो हमारा हेडर होता है वेबसाइट का वो बनाना है, तो मैं डिफ बनाऊंगा। डिफ के अंदर आके सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल दूंगा अपनी, जो मुझे हेडिंग चाहिए, क्यों, क्योंकि वो मेरा ऊपर वाला हिस्सा है जो वेबसाइट का, जब वेबसाइट ओपन करते सबसे पहले आया, तो इस हेडिंग के अंदर मैं कुछ भी लिख दूंगा। उसके बाद हेडिंग के बाद मैंने पैराग्राफ लगा दिया, मैंने इमेज लगा दी, मेरा ऊपर वाला पूरा जो सेक्शन है वो खत्म हो गया, तो मैंने डिफ का यूज किया। उसके बाद फिर मैं ना मेरा आया सेकंड वाला पोर्शन जो मिड का पोर्शन था, ठीक है, मिड पोर्शन आया, मिड के अंदर मैंने एक और बॉक्स बना लिया कि भाई अब मुझे अपना वो चेंज करना है। क्या चेंज करना है, अपना बॉक्स चेंज करना है, क्योंकि अब मैंने भाई आटा रख लिया उसके अंदर, आटा मेरे जगह फुल हो, या मुझे नमक रखना है, तो मैं दूसरा जो है बॉक्स बनाऊंगा, दूसरा डब्बा उठाऊंगा और उसके अंदर आके मैं अपना जो है वो नमक स्टोर करूंगा। नमक से मुराद अब ये बीच वाला सिस्टम, सही है, बीच वाला जो हिस्सा था वो। डिव लाइक बी आर टैग, बिल्कुल भी नहीं, बी आर टैग सिर्फ लाइन ब्रेक करता है, डिव एक कंटेनर है। ये चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है समझने वाली चीज है कि डिव जो है वो कंटेनर है, और डिव का हम बे इंतहा यूज करेंगे आगे।
कुछ भी हमें करना है इन सारी चीजों को हम जो है डिफ के अंदर रखते हैं। जैसे हम शुरू में वेबसाइट बना रहे थे, तो जैसे हम मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था, तो आप लोगों ने हेडिंग्स वगैरह उसमें यूज की थी, पैराग्राफ यूज किया था, तो उन सबको एक डिफ के अंदर रखते हैं। आगे जाके जब हम देखेंगे सिमेंटिक एचटीएमएल तो आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, अब एक और यूज के बताता हूँ कि डिफ का यूज क्यों करना चाहिए। और जैसे मिसाल के तौर पे अब हमें यहाँ पर पैराग्राफ लगाना है एक, तो पैराग्राफ की जगह पैराग्राफ लिखना है मुझे, पैराग्राफ में अपना जो है बायोडाटा लिखना है मुझे कि आई माई नेम इज नबील, माई फादर नेम इज डैश डैश डैश, माई एज इज, ऐसे मुझे अपना पूरा जो है एक माई सेल्फ के ऊपर अपना पैराग्राफ लिखना है। तो मैं यहाँ पर डिफ टैग का भी यूज कर सकता था, मैं यहाँ पर स्पैन टैग का भी यूज कर सकता था, मैं यहाँ पर हेडिंग नंबर सी का भी यूज कर सकता था, वो भी पैराग्राफ की तरह ही होती है। लेकिन मैंने यहाँ पर पैराग्राफ को ही क्यों चूज किया, क्योंकि पैराग्राफ बना ही पैराग्राफ लिखने के लिए है। और जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, तो गूगल जो है वो एचटीएमएल की फाइल को रीड करता है, और जब वो एचटीएमएल की फाइल को रीड करता है, तो सबसे पहले तो वो चीजों को देखता है कि भाई यहाँ पर सबसे पहले क्या यूज किया गया है। अगर तो यहाँ पर मैंने जैसे पैराग्राफ लिखा है, तो भाई गूगल को फौरन पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ एक लिखा हुआ, दिस इज पैरा। अगर मैं इसी को जो है डिफ के अंदर लिखता, तो वो समझता कि ये कंटेनर है और इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें हैं, तो उसको रीड करने में वो काफी टाइम लगाता। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता, तो गूगल को लगता है कि ये हेडिंग है, वो इसको मिस कराता, उसके बाद वो पैराग्राफ ढूंढने निकल जाता कि पैराग्राफ लिखा हुआ कहाँ है भाई, इसमें यहाँ तो पैराग्राफ होना चाहिए था। तो ये जो है हमारा सारा का सारा जो चल रहा होता है सिस्टम, वो इसी के ऊपर चलता है। जो वेबसाइट चल रही है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये जो गूगल का है, इसको अगर मैं राइट क्लिक करके, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट का, अगर मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ, तो आप लोग देखिएगा अभी कि यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, मतलब अभी क्लिक नहीं हुआ, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया मैंने, तो ये देखें यहाँ पर जो है मेरे पास ये इस तरह का एक टूल खुल गया। ठीक है, अब ये टूल खुल गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए सारी की सारी HTML की, ये देखें डिफ लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत कोड समझ में आएगा आप लोगों को। सबसे पहले देखें HTML लिखा हुआ है यहाँ पे, डॉक टाइप HTML, उसके बाद ये डिर वगैरह क्या, ये लैंग्वेज इसकी EN चूज की हुई है, इंग्लिश में होनी चाहिए। फिर बॉडी आ गई, बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको नीचे देखें, तो ये देखें डिफ लिखा हुआ है। अच्छा, बाकी आप लोगों का अभी मे भी समझ में नहीं आए, क्योंकि अभी हम लोग इसको आगे की जैसे पढ़ेंगे। देखें डिफ का फिर यूज किया हुआ है, सारी चीजों को इन्होंने डिफ के अंदर रखा हुआ है। तो डिव जो है वो एक कंटेनर है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि डिव एक कंटेनर है, और डिव का हम लोग हद से ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, डिव जो है एक कंटेनर है। अच्छा, अब आप लोग कैसे याद रखेंगे कि भाई ये तो मैंने आज समझाया आप लोगों को, लेकिन एक हफ्ते बाद आप लोग भूल जाएंगे कि ये जो है वो डिव क्या, डिव इनलाइन है या ब्लॉक लाइन है, या जो है वो स्पैन क्या था, इनलाइन एलिमेंट था ब्लॉक लाइन एलिमेंट था। तो इसी को देखते हुए मैंने जो है आप लोगों के लिए एक लिस्ट बना ली है, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, जिसके अंदर आप लोग के पास मैंने सारे के सारे जितने भी हमारे, सिर्फ मुझे ये करनी है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेंगे यहाँ से, कॉपी का कहाँ ऑप्शन, अच्छा इसको क्लिक करेंगे, फिर इसको राइट क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जो है यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। क्या हो गया इसको, अच्छा ये रहा कॉपी का ऑप्शन। अब मैं इसको कहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर आके क्लास नंबर 8 के अंदर इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो मेरे जो है ये VS कोड के अंदर, ये देखें यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आ गई। अच्छा, अब ये मैंने आप लोगों के लिए जो है एक लिस्ट बना ली है। सबसे ऊपर देखें तो आप लोगों के पास हेडिंग आ रही है ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स की, सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं उसको फर्स्ट पे रखा है मैंने। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो डिव जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, और वो ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, तो मैंने जो है इसको सबसे ऊपर रखा है। फिर पैराग्राफ है, फिर UL OL, ये सारी चीज जो है आप लोगों ने पढ़ ली है, टेबल पढ़ लिया, सेक्शन नहीं पढ़ा, ये सारे अभी टैग हम आगे पढ़ेंगे। जितने टैग हम यहाँ पे आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए ना, वो आप लोग हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद आ जाता है ये इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट आया, एन का टैग सबसे ज्यादा यूज होता है, तो उसको जो है मैंने सबसे ऊपर रखा। उसके बाद इमेज है, फिर बी से बोल्ड हो जाता है, ई से इटैलिक, ये सब आगे जाके हम देख रहे होंगे, पढ़ेंगे इसको। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो, सबसे ज्यादा जो कम यूज होता है वो स्टैंड में रखा है, और ये तो वैसे ही नॉट सपोर्टेड है HTML5 के अंदर, बट पता होना चाहिए आप लोगों को, या आगे इसको देखें, हम लोग देखेंगे इसको आगे। अच्छा ठीक है, ऊपर देखा हमने, तो सारे के सारे जो है इस तरह के हमारे पास टैग आ रहे होते हैं।
ये जितने भी ऊपर आप लोगों को टैग यहाँ से दिए हुए हैं ये सारे कौन से हैं, ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स हैं, और जितने भी यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं ये सारे हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स हैं। और ये बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन किया जाता है इंटरव्यूज के अंदर कि इनलाइन एलिमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए लाजमी। अच्छा, अब जैसे मैंने पहले बताया कि इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते, इसको हम लोग बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो जब काम आती है जब हमें किसी एलिमेंट का जो एक्चुअल डिस्प्ले है उसको चेंज करना हो, मतलब जो इनलाइन एलिमेंट है उसको हमें ब्लॉक लाइन में कन्वर्ट करना हो, या ब्लॉक लाइन है तो इनलाइन में कन्वर्ट करना हो, तो जो है हमारे पास ये चीजें आती हैं। अच्छा, किसी कोई भी कंफ्यूजन है? आगे चलें, कोई सवाल है किसी का? नो। अच्छा, ये तो एक हो गई बेसिक चीजें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को, अच्छा आज आप लोगों की सेकंड क्लास है इस वीक की, कल आप लोगों को जो है एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम जो है थ्योरी की तरफ आ जाते हैं, थ्योरी जो भी हमें समझनी लाजमी है वो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को जो है एक चीज पता होनी चाहिए, वो चीज क्या है कि हमारी वेबसाइट जो है वो जो जब भी हम डिप्लॉय करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या चीज उसको ऊपर लेके आती है, मतलब रैंक क्या करती है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर मैंने टाइप स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो सबसे ऊपर जो टाइप स्क्रिप्ट की ओरिजिनल वेबसाइट है वो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे हम समझते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसका SEO कैसे हम लोगों ने जो है इंक्रीज करना है, या कैसे हम लोग इसको इंक्रीज करते हैं। अच्छा, SEO क्या होता है? अब SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट का नाम सर्च करे तो उसकी जो है सबसे ऊपर आपकी वेबसाइट आनी चाहिए। अब उसको कैसे करते हैं, देखिए मैंने जैसा भी आप लोगों को बताया कि जब क्रोम जो है जब हमारी वेबसाइट हम डिप्लॉय करते हैं क्रोम के ऊपर या किसी भी ब्राउजर के ऊपर, तो वो क्या चीज करता है, वो क्या चीज रीड करता है, हमारी HTML को वो रीड करता है, ठीक है, HTML को रीड करता है। और अगर हमने HTML के अंदर सही से HTML के टैग्स यूज किए हुए हैं, अब सेमेंटिक HTML और आगे हमारे पास होगा एक नॉर्मल HTML, तो वो हम लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज और अच्छे समझ में आएगी। लेकिन अभी आप लोग ये समझ लें कि अगर आप लोगों ने HTML को सही से लिखा हुआ है, मतलब पैराग्राफ अगर आप लोगों को लगाना है तो पैराग्राफ टैग का ही यूज किया है आप लोगों ने, और वहां पर आप लोगों ने डिफ का यूज नहीं किया या किसी और टैग का यूज नहीं किया, तो आपने जो है वो क्या करना है कि HTML को जो, सॉरी एक सेकेंड मैसेज आया था वो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, दोबारा से करते हैं कि ब्राउजर जो है वो आप लोगों का HTML को रीड करता है, ठीक है, HTML को रीड करता है। तो अगर आप लोगों ने HTML सही लिखी हुई, मतलब पैराग्राफ की जगह पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो आप लोगों का SEO जो है वो तेज हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पे टाइप से सर्च किया तो इसने मुझे कितने सारे रिजल्ट, 2.0.22 सेकेंड के अंदर इसने इतने सारे रिजल्ट ला के दे दिए। अब ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे इसने ला कर दिए? सबसे पहली चीज जो, अभी तो हम लोग खैर इतनी एडवांस में नहीं जाते, लेकिन अभी जितनी चीजें आप लोगों ने सीखी हैं उसके अंदर जो सबसे पहली चीज देखी जाती है वो ये होती है कि आप लोगों का जो कोड लिखा गया है वो सही से लिखा गया है, उसके अंदर कोई मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है। मिस्टेक कैसे, कि ब्राउजर को जो नहीं लगे, हमें तो अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा जबरदस्त कोड लिखा हुआ है, कोई भी एरर नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं लिखा गया। क्यों सही नहीं लिखा गया, इसको हम लोग जो है किसी ना किसी टैग के अंदर रखते हैं। जैसे हमें फर्स्ट सेक्शन बनाना है तो उसके लिए सेक्शन टैग होता है, उसके बाद हमें सेकेंड सेक्शन बनाना है तो उसके लिए फिर से हम सेक्शन टैग लगाते हैं, या हम लोग डिफ का यूज करते हैं ताकि जो है उसको हम एक डिफ के अंदर रख सकें। अच्छा, फर्स्ट चीज जो हो गई वो क्या होती है आप लोगों की SEO करने के लिए, वो ये होती है कि आप लोगों की जो है HTML फाइल रीड करता है ब्राउजर। अब वो जितनी जल्दी आपकी फाइल को रीड करेगा उतनी ऊपर आपकी वेबसाइट आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को, क्या नाम था वेबसाइट का, मैंने प्रोजेक्ट बनाया तकरीबन एक एक 1.5 साल पहले, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसने जो है उसने पूरी वेबसाइट उसकी बनी हुई थी, वो तो खैर जो है नेक्स्ट डे से बनी थी, आ गया सही है, उस वेबसाइट का नाम था टैक्टिका। अच्छा, उसकी वेबसाइट बनी हुई थी पूरी की पूरी, उसको क्या करना था, उसका जो है ऊपर नहीं आ रही थी वेबसाइट, सही सारी लिखी है मे भी मैंने,
देख लेते हैं, बिल्कुल इसी यही स्पेलिंग थे। लेकिन अब जैसे मैंने टेक्टिका सर्च किया, सबसे ऊपर जो है वो वेबसाइट आई। तो मैं बताने का मकसद ये है कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि भाई मेरे पास जो है मेरी पूरी वेबसाइट बनी हुई है इस तरह, और जो है जब भी मैं उसको सर्च कर रहा हूँ तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो मुझसे ऊपर आ रही है उसकी वेबसाइट, मेरी वेबसाइट काफी नीचे जा रही है। तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझे आप कोड भेजो, मैं देखता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जब उसने मुझे वेबसाइट भेजी तो उसकी अंदर जो HTML CSS तो खैर ये नहीं बनी हुई थी, बट उसके अंदर जो प्रॉब्लम यही था कि जो कोड लिखा गया था वो कोड सही से नहीं लिखा हुआ था। और दूसरा उसने जो किया हुआ था वो, इस वेब को ओपन करें, वेब को ओपन कर लेते हैं हम। ठीक है, ये जो है इस तरह की ये वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट मैंने नहीं बनाई, ये वेबसाइट बनी हुई थी और इसको मैंने सिर्फ SEO किया है। मतलब SEO कैसे, अच्छा जिन जिन जिस कंपनी ने बनाई है ना वेबसाइट, जिस कंपनी की वेबसाइट, उसके पास, उन कंपनी के पास SEO के स्पेशलाइजेशन, मतलब उसके जो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उसके स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, और मतलब काफी ज्यादा अच्छे अच्छे वर्कर्स बैठे हुए हैं जो SEO करते हैं, बट उनसे भी जो है वो SEO नहीं हो पा रहा था। और सर्च इंजन जब उसको हम सर्च कर रहे थे टेक्टिका को, तो वो ऊपर नहीं आ रही थी। तो इसी को देखते हुए उन्होंने जो है वो हमें किया, मुझसे कॉन्टेक्ट किया। मतलब मैं तो एज अ फ्रीलांसर था फाइबर वगैरह पे, तो वहां से जो है इन्होंने कॉन्टेक्ट किया मुझसे, और मैंने फिर इनकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व की, और इस तरह जो है ये मैंने इनका किया कि आप देखें, अगर आप खुद भी सर्च करें ना टैक्टिका तो सबसे ऊपर आएगी। मैंने इस पूरी वेबसाइट को, अच्छा दूसरी जो मेन चीज देखी जाती है वेबसाइट की वो परफॉर्मेंस देखी जाती है। अब देखिए मैं इसके ऊपर अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अबाउट के ऊपर जो है अभी तो देखिए ये नेटवर्क का भी इश्यू होता है, अभी तो नेटवर्क इतनी स्पीड में नहीं चल रहा, तो अबाउट का जो पेज है वो इस तरह नहीं खुल रहा। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी सारी की सारी जो है वो चीजें चल रही होती हैं। परफॉर्मेंस से क्या मुराद है मेरा, कि परफॉर्मेंस से जो है इसकी, जैसे हम अबाउट के सेक्शन में जाएं तो आधे सेकंड के अंदर अबाउट पे चले जाए, अगर आपका इंटरनेट सही है तो फौरन से जो है उस पर चले जाए, अगर आपका जो है वो इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो जाहिर है वेट करेगा। मेरे अभी काफी ज्यादा टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, और अभी रिसेंटली वो मैं उनकी टाइप से फॉलोइंग क्लास के लिए, तो जो है वो इस वजह से काफी प्रॉब्लम आ रहा था, तो इस वजह से जो है मेरी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है। लेकिन फिर भी देखें, जैसे मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया तो ये इस पे आ गई, और मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट पे आ जाएगी। तो आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए जो है आपकी वेबसाइट रैंक करती है, रैंक से मुराद आपकी वेबसाइट ऊपर आती है। ठीक है, अच्छा पहली चीज हो गई आप लोगों का कोड किस तरह लिखा गया है, दूसरी चीज हो गई कि आप लोगों ने जो है वो किस तरह अपना स्पीड कैसी है आपकी वेबसाइट की, मतलब स्पीड कैसी है जब भी आप अबाउट के सेक्शन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो कैसे जा रहा है। तो ये सारा हमारा होता है नेक्स्ट जेएस की मदद से, बहुत ज्यादा आप लोगों की स्पीड तेज होती है। नेक्स्ट जेएस बहुत ज्यादा ग्रोइंग लैंग्वेज है अभी इस टाइम पे, लैंग्वेज नहीं है वो फ्रेमवर्क है, क्रिएट का फ्रेमवर्क है। तो उसका यूज करके जो है मैंने इनकी जो है वो स्पीड को इंक्रीज कर दिया और SEO को हाई कर दिया, ताकि जो है वो इजीली जब भी कोई भी इनकी वेबसाइट सर्च करे तो सबसे ऊपर आए। अच्छा खैर ये तो एक चीज हो गई है, लेकिन आप लोगों को जो है ये पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया सबको, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लाइन एलिमेंट और वेबसाइट कैसे जो है वो रैंक करती है, ये क्या होता है। अच्छा अब आप लोगों ने जो है वो BR टैग का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, BR टैग का यूज क्यों नहीं करना, अच्छा मे भी कल हमारे साथ दो तीन स्टूडेंट्स नहीं थे, तो सादिया भी नहीं थी, नमस्ते भी नहीं थी, तो मैं एक चीज जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो रिपीट कर देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो है वो कल वाली अगर क्लास आप लोगों ने देखी है तो पता होगा आप लोगों को कि डिवाइन, मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, मैं इसको हमेशा प्रोनाउंस गलत करता हूँ, डिवाइन AI, अभी जो न्यू AI सॉफ्टवेयर आया है, डेविन नाम है मेरे ख्याल से उसका, तो जो है वो काफी ज्यादा कंपनीज ने उसको अपने पास हायर कर लिया है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो जॉब है वो चले गई है। और AI जो है वो इतनी तेजी से चीजों को रिप्लेस कर रहा है और इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब जॉब जो है वो काफी कम होती जा रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने आप लोगों से कहा था कि ईद के बाद जो है, मतलब अभी ये वाली वीक हमारी क्लास है, फिर नेक्स्ट वीक क्लास है, उसके बाद हमारा जो है गैप आ जाएगा, बीच में 2 वीक का गैप है, उसके बाद फिर हमारी क्लास कंटिन्यू होंगी ईद के फौरन बाद। तो
ईद के बाद जब हमारी क्लास होगी तो उसके अंदर पहले आप लोगों से मैं एक सेशन रखूंगा जिसमें बैच 1 के स्टूडेंट्स और बैच 2 दोनों स्टूडेंट्स कंबाइन होंगे हमारे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि रियल वर्ल्ड के अंदर कैसे इंटर होना है। अभी से मैं आप लोगों को इसलिए इंटर करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत तेजी से जो पहले अपडेट्स जो 2 सालों में आती थी, AI की जितनी अपडेट्स थी या न्यू जो एवोल्यूशन होती थी, वो सारी की सारी जो है वो जो 1-2 साल के अंदर आती थी, वो अब 1 से 1.5 महीने के अंदर आ रही है। मतलब इतनी तेजी से अपडेट्स आ रही है। तो अभी से आप लोगों को जो है मैं तैयार कर रहा हूँ कि किस तरह आप लोगों ने जो है अपनी अर्निंग्स करनी है और आप लोगों ने कैसे नेटवर्क क्रिएट करना है। अपना नेटवर्क से क्या मुराद है, आप लोगों ने कैसे कनेक्ट होना है उन इंजीनियर से, उन प्रोग्रामर से जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। अभी रिसेंटली सर काशान जो है वो, जैसा पहले ही बताया था कि पहले तो पार्टनरशिप पे थे इनोस्क्राइब कंपनी के साथ, अभी रिसेंटली वो एज अ जनरेटिव AI इंजीनियर जो है वो हायर हुए हैं नॉर्वे कंपनी में, एज अ जो है डेवलपर, एज अ पता नहीं, मेरे भी जनरेटिव AI डेवलपर हुए हैं। मैं उनकी ID खोलता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे काशान खारे लिखूँ तो आ जाएगा, ये रही काशान खारे LinkedIn प्रोफाइल। तो वो जो है अभी रिसेंटली जो है वो हायर हुए हैं एज अ जनरेटिव AI डेवलपर। तो आप लोग भी जो है वो हो सकते हैं और इस तरह जो है आप लोग काम कर सकते हैं। तो ईद के बाद जो है मैं सेशन रख रहा हूँ जिसमें दोनों बैच के स्टूडेंट्स होंगे और मैं प्रॉपर दिखा बताऊंगा सीरियस सारी चीजें जो है वो गाइड की जाएंगी जनरेटिव AI इंजीनियर एट इनोस्क्राइब के, देखें पाइथन एक्सर। तो ये जो है अभी उसमें हायर हुए हैं। अच्छा भारत, तो इस तरह जो है आप लोग भी हायर हो सकते हैं। अभी नहीं, टाइम लगता है, हमें भी टाइम लगा, हम जब आज जो इस स्टेज पे खड़े हुए हमें काफी टाइम लगा, दिन रात एक एक करनी पड़ी, बिल्कुल ना ही टाइम देखा ना कुछ देखा, और जो है बस लगे रहे। तो उस वजह से जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पे हैं कि जो है काफी इंटरनेशनल क्लाइंट्स वगैरह से काम वगैरह हो रहा है इंशाल्लाह, और आगे भी जो है वो चलता रहेगा। तो ठीक है इंशाल्लाह जो है आप लोगों के साथ भी जो है यही करूंगा। 1 सेकंड मुझे 2 मिनट दें। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो है ईद के फौरन बाद एक सेशन रखा जाएगा जिसमें मैं प्रॉपर आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोगों ने अभी से अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, बिल्डिंग पब्लिक कैसे करना है। क्योंकि पहले ही होता था आज से 1-2 साल पहले कि जिसको स्किल्स आती थी ना, सिर्फ मतलब बेसिक, आप ये कह लें कि बेसिक HTML CSS आती थी और प्रॉपर किसी एक लैंग्वेज में वह एक्सपर्ट होता था। एक्सपर्ट से मुराद की जैसे JavaScript में वो एक्सपर्ट है, और या PHP के अंदर या जो है उसके अंदर एक्सपर्ट है। सर मेरी यूनि का टाइम हो गया, जी आप लीव कर सकती हैं, बस जो है वो 2 मिनट की क्लास रहेगी। 2 मिनट में आप लोगों को बस एक बात बता दूं, उसके बाद लीव कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है आप लोगों को प्रॉपर बताया जाएगा कि बिल्डिंग पब्लिक कैसे करना है, क्योंकि नेटवर्क जिसका स्ट्रांग होगा वही जो है आगे जाके परफेक्टली एक इंजीनियर और वो बन सकेगा। अच्छा, आप लोग जो है वो फर्स्ट क्लास भी देख लीजिएगा जो स्टूडेंट्स कल एबसेंट थे, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉपर और भी अच्छी तरह गाइड किया है कि किस तरह जो है आप लोगों ने अपना नेटवर्क वगैरह बनाना है और किस तरह अर्निंग्स करनी है। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह क्लास को हम एंड करते हैं यहीं पर, और आज का ये टॉपिक था हमारा इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लाइन एलिमेंट का। फिर आप लोगों से कल वाली क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह, थोड़ी सी आज छोटी क्लास हो गई, खैर आप लोगों से कल मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।